A very good afternoon, all media friends. I welcome you all to this press conference. Aapka is press conference mein swagat hai. This press conference is scheduled to brief you about the review of the poll preparedness taken by the Honorable Commission in J&K. We have with us Honorable Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar Ji, Honorable Election Commissioner of India, Shri Gyanesh Kumar Ji, Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu Ji. We also have with us senior official from ECI, CEO of J&K, Shri Pandurang Pole Ji, and I am Anuj Chandak, Joint Director. The format of the PC will be as follows. There will be opening remarks by Honorable CEC along with a very brief presentation. Copy of the presentation will be shared with all of you after this PC. Following this, there will be a brief question and answer session. Whenever you want to ask a question, please raise your hand. The micer will come to you, wait for your chance and ask your question and introduce yourself before asking the questions. In this PC, we have also been joined by media persons from Srinagar. They will also be viewing this PC and we will be taking some questions from Srinagar also. So with this, I request Honorable CEC to kindly give the opening remark. थैंक यू अनुज. माननीय निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश जी ऑन माई राइट साइड एंड श्री सुखबीर सिंह जी संधु ऑन माई लेफ्ट साइड, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द कमीशन, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया हु आर हियर एट जम्मू एंड ऑल्सो दोज हु आर एट श्रीनगर, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और आप सबके माध्यम से सभी J&K के वोटर्स को सर्वप्रथम हमारा अभिनंदन और नमस्कार. लोकसभा के चुनाव के क्रम में हम लोग पहले यहाँ आए थे, आपसे इसी जगह में बातचीत हुई थी. वी आर हैप्पी टू बी हियर अगेन. जैसा कि आप जानते हैं कि May 2022 में J&K का डिलिमिटेशन होने के बाद 2023 दिसंबर में J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट संसद में पारित हुआ. दैट वॉज इन दिसंबर 2023 और उसके बाद से ही कमीशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ हुआ कि अब हम चुनाव यहाँ कराने के लिए सारी लीगल प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड दिस मीन्स दिसंबर 23 से पहले हम चुनाव करा भी नहीं सकते थे. लोकसभा चुनाव के समय आपसे सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था. उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं, उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी ख़त्म नहीं हुई है. उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापस हैं ये जानने के लिए कि अब J&K का चुनाव कब कराया जाना चाहिए. फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्ता यहाँ आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है. दैट इज़ वाई वी आर हियर. अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पहले थोड़ी बात करें तो उस दौरान जो हमने भागीदारी देखी वो काबिले तारीफ है. दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न ये जमहूरियत की जो चमक देखी उसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया है. पिछले कई दशकों में जो नहीं हुआ वो आप सबने करके दिखाया है. खास तौर पर हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया 2024 के जनरल इलेक्शंस में जो अभी मई में होके चुके हैं. आपने लोकतंत्र को चुना है, शांति और सद्भावना को चुना है और इस तरीके के मापदंड आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, चाहे वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों, वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है. आपने जो बुनियाद बनाई है अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है. नई मंजिलें, नए आसमान को पाना है
और गोया समय अब आ गया है और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। पूरा हमने रिव्यू किया, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब लोग तैयार हैं। वी आर कमिटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट। वी आर श्योर पीपल ऑफ जे एंड के विल गिव ए बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू डिसरप्टिव फोर्सेस। और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगा कि कल हमने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज से मिले, क्या बातें हुई। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुलाकात की, हमने 9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप, बीजेपी, बीएसपी, सीआईपीएम, सीपीआईएम, आईएनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जे एंड के नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड जे एंड के नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं। तो उन्होंने क्या मुद्दे हमारे सामने उठाए, पहले मैं वो आपको बताता हूँ और फिर उन मुद्दों के बारे में क्या हम करने जा रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो साथियों, सभी दलों ने ऑल विदाउट एक्सेप्शन एक सुर में जम्मू कश्मीर में जो संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से हुआ उसके लिए पूरी आवाम की और चुनाव आयोग की दोनों की प्रशंसा एक स्वर में की सबने। उन सबका ये मानना था कि ये हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ और बहुत अच्छे चुनाव हुए, भागीदारी अच्छी हुई, कोई घटना नहीं घटी जिससे लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है। इसी के क्रम में सभी पार्टीज का यूनैनिमसली अगेन ऑल उनका कहना था कि अब अगले चुनाव भी असेंबली के जल्द से जल्द कराए जाएं। सभी पार्टीज का कहना था कि जे एंड के में आवाम द्वारा चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिनका लोगों के साथ में बेटर कनेक्ट हो ताकि लोगों की जमहूरियत आगे बढ़ सके और लोग अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। तो उनका सबका कहना था कि चुनाव जल्दी कराए जाएं। मोर और लेस सभी पार्टी का ये भी कहना था, एक आध को छोड़कर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश की जाए, ऐसा ना हो कि किसी को प्रदर्शन की या रैली की या कुछ और चीज़ों की परमिशन ना मिले, कुछ को ज़्यादा मिले, इस तरह का ना हो, सबको बराबरी की भागीदारी के साथ जब भी चुनाव हो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश हो। एक और भी मांग सबकी थी कि कुछ सिक्योरिटी का, लोगों के पॉलिटिकल फंक्शनरीज का रिव्यू हुआ था स्टेट में, उसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई, कुछ लोगों की सिक्योरिटी नहीं मिली, कुछ को ज़्यादा मिली, कुछ को कम मिली। तो उनका परसेप्शन ये था कि सबको बराबर मिलनी चाहिए सो दैट खुल के लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें चाहे वो किसी भी दल के हों और एक एक डेमोक्रेसी की जो डीपनिंग है वो हो सके, तो बराबर की सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए। ये भी मांग थी लोगों की, ये वैसे ज़्यादातर जगह में नहीं है ऐसा, कहना था जहाँ भी बचा हुआ है वहाँ सारे पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर किए जाएँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमें बताया कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ लोगों को ज़्यादा चलना पड़ा, तो उनका मानना था कि अगर 2 किलोमीटर के अंदर में पोलिंग स्टेशंस होंगे तो लोगों को वोट देने आने के लिए और ज़्यादा सुविधा होगी। पोलिंग स्टेशंस पर सभी का मानना था कि एएमएफ की सुविधाएं अच्छी थी, लेकिन थोड़ा कुर्सी, थोड़ा बैठने की जगह और ज़्यादा की जाए, ये भी उनकी मांग थी। एक स्पेसिफिक मांग ये थी एक पॉलिटिकल पार्टी की कि चुनाव से पहले दिन कुछ बूथ्स को क्लब कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पजेस से, यानी 2-3 बूथ को इकट्ठा करके एक जगह कर दिया, वोटर्स को परेशानी होती है ढूंढने में लास्ट मिनट पर, ऐसा ना किया जाए। अनदर डिमांड वाज दैट सभी बूथ्स का 100% सीसीटीवी कवरेज कराया जाए। ये मांग भी लगभग लगभग काफ़ी लोगों की थी, सभी की थी। नोमेडिक ट्राइब्स जो इस समय में अपर रीजन में गए हुए हैं, शेड्यूल ऐसे फिक्स किया जाए जो उनकी भागीदारी पूरी हो सके, ये भी एक मांग थी। ये जितने मुद्दे थे मेन मैंने आपको बताए, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको आने वाले अपने वक्तव्य में बताऊंगा।
इससे पहले जस्ट टू गिव यू द ब्रॉड पिक्चर, देर आर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन जे एंड के, ऑफ विच 74 आर जनरल। एसटी की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और एससी की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर इलेक्टोरल रोल्स का डाटा देखें तो ये कार्रवाई अभी चल रही है, हमने समय रहते ही ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। 19 अगस्त को यात्रा ख़त्म होगी और 20 अगस्त को ही, ये पहले से प्लान किया था 1.5-2 महीना पहले इसी प्रकार से, कि 20 अगस्त को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स हो जाएगा, यानी कौन सा पोलिंग स्टेशन, कौन से लोग, कितने वोटर्स कहाँ पर है, किस जगह में, इसका फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा और इसकी कॉपीज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को उपलब्ध करा दी जाएंगी। दिस इज़ ए मेजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फैसिलिटेटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो 38 उनकी संख्या है और लोकेशंस जो हैं वो थोड़ी उससे कम है, करीब 9,100 के करीब लोकेशंस हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज फॉर दी वोटर्स विल बी अवेलेबल। दैट मींस क्या क्या अवेलेबल होगा, पीने का पानी होगा, बैठने की जगह होगी, शौचालय होगा, शेड होगा, शेड की जहाँ जहाँ जरूरत, और एक रैंप भी होगी जिससे हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इजीली वहाँ जा सकें। सभी बुज़ुर्गों के लिए एक व्हीलचेयर की और बाकी वॉलंटियर की भी सुविधा रहेगी। हम अगर अपने सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो पूरी कंट्री में जो चुनाव हुआ, पैन इंडिया लेवल पे कमीशन ने इस बार ये व्यवस्था की थी कि 85 से जितने भी लोग उम्र के हमारे बुज़ुर्ग मतदाता हैं उनके घर जाकर हम उनका वोट लें। इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड थ्रू आउट द कंट्री एंड दो एक्सपीरियंसेस सामने में आते हैं। उस एज में अधिकांश हमारे जो सीनियर वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं, उनको लगता है, जैसे हमने असेसमेंट किया, दे वेरी हैप्पी कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन बिकॉज दैट इज़ वन प्लेस जहाँ सबसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, घर से बाहर निकलना होता है। लेकिन जिस किसी को भी ये सुविधा घर के अंदर चाहिए उसके यहाँ फॉर्म्स पहुँचाए जाएंगे 100% ऑल दी 85+ वोटर्स, और जो ये ऑप्शंस देंगे कि हमें घर से वोटिंग करनी है उनको पूरे चुनाव के दौरान ये वोटिंग कराई जाएगी। एक और हमने प्रयास किया था इस बार के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कश्मीर रिलेटेड, कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको परेशानी होती थी, एक फॉर्म एम भरना पड़ता था और सत्यापन कराना पड़ता था, वो दोनों हमने हटाई थी सुविधाएँ, मतलब जो कम्बरसम प्रोसेस था, और उसके बहुत पॉजिटिव हमें आउटकम भी मिले, भागीदारी भी बढ़ी, और ये व्यवस्था अब इस बार भी चालू रहेगी, यहाँ भी चालू रहेगी। और फैसिलिटेशन जो बाहर में आउटसाइड जम्मू है, उधमपुर, उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा, वो दिल्ली में, बंगलौरू में, बॉम्बे में, जहाँ जहाँ, चंडीगढ़ में, जहाँ जहाँ उनकी वोट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजर डायरेक्शंस हमने दी, चाहे तो वो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हों, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जितने मुद्दे उठाए उनके बारे में हो, तो सबसे पहले ड्रग्स का जो मिसयूज़ स्टेट में बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। हम ये सोचते हैं चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब हमारी MCC लगेगी, हमने सख्त ताकीद दी है कि अब उसको बहुत सख्त कार्यवाही की जाए उन लोगों के ऊपर। कल भी हमने सारा दिन अपने DMs SPs को ये ताकीद की थी, क्योंकि पूरी की पूरी बच्चों को, जनरेशन को ख़राब होने नहीं दिया जा सकता बाई दी मैनेस ऑफ ड्रग्स। और हमें ये उम्मीद है कि उस पर पूरी कंट्री में, आपको पता है कि हमने इलेक्शंस के दौरान करीब करीब पार्लियामेंट में 10,000 करोड़ का सीजर किया था, मैंने बताया था, जब आप लोगों ने अगर सुना हो 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब काउंटिंग से एक दिन पहले की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ पूरे वर्ल्ड में वोटर्स का, फीमेल वोटर्स का, रीपोल्स ना होने का, अहिंसा ना होने का, जिसमें कश्मीर भी अपने आप में एक उदाहरण था। सो ड्रग्स के बारे में वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सीरियस। और मुझे एक सूचना मिली अभी आते आते
किस पर एक्शन शुरू भी हो गया है। आपको पता लगेगा जल्दी ही, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्शन आज ही शुरू हो गया है। मैं अभी जो कंसर्न लोग हैं वो आपको बताएंगे। सिमिलरली लीकर के बारे में, चाहे वो विद इन दी स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, दे वुड बी स्ट्रिक्ट विजिल बाई दी एनफोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग दी बॉर्डर्स ऑफ दी नियर बाई स्टेट। सीसीटीवी कैमराज हमने ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहां शेडो एरियाज हैं वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशंस वुड हैव सीसीटीवी कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा है। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें। नहीं, ये दिस इज़ नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शंस स्पष्ट दी गई हैं। दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे, पहले भी थे, अब बिल्कुल जहाँ नहीं थे जो हमसे कहा गया था उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। कोई एक दो बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते तो उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया अब रैली मत करिए, या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। नहीं, एक जो उम्मीद है लोगों को अपनी सरकार बढ़ाने की, अपना लोकतंत्र में भागीदारी करने की, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज़्यादा करने की, हमारा रोल है और हमारे प्रशासन का रोल है जितने भी जब लोग लगेंगे इलेक्शन में, कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैव वेरी वेरी क्लियरली बीन टोल्ड SPs, ऑल DIGs, ऑल पुलिस फोर्स कि उन्हें पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रहना है। अगर हमारे संज्ञान में कोई भी ये घटना ऐसी घटेगी, शिकायत आएगी जिसमें ये प्रूव होगा कि वो कोई भी बायस्ड या पार्शियल डिसीजन है, तो वील बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसकी वजह से कंप्लसेंट होने की जरूरत नहीं है उनको, उससे ऊपर जाना है। दिस ऑल्सो हैज़ बीन डायरेक्टेड वेरी वेरी स्ट्रांगली टू एवरी वन ऑफ देम। फेक न्यूज़ का कारोबार तो चलता ही है, फिर चलेगा। निगेटिव नैरेटिव्स बनाने का भी कारोबार चलता है, चलेगा। उसमें तेजी आने की भी उम्मीद है, जैसे सेंसेक्स में तेजी आती है उसमें भी तेजी आएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पष्ट डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई भी झूठी खबर फैलाई जाती है तो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, यानी विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स, 1 आवर, उस इशू को ज्वाइन करना है, वहाँ बताना है उनको कि इस तरीके की चीज़ गलत है, इससे पहले कि वो वायरल होके एक्सपोनेंशियल हो जाए और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे। द एंटायर डायरेक्शन इज़ कि जो लोग भागीदारी करना चाहते हैं, जो उम्मीद है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने ना दी जाए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए। सारांश में, चुनाव जैसे आप सब जानते हैं हमारे लिए त्यौहार है, और जो त्यौहार की शक्ल हमें इस बार यहाँ नज़र आई उसके वजह से ये और बड़ा एक त्यौहार होने वाला है, ये हम बहुत आश्वस्त हैं। और हमारी ये भूमिका है, हमारी ये हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है
कि हम उसको और अच्छे से निभाएं। देयरफॉर एवरीवन इन द फील्ड, ऑल स्टेट एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसपीज, एवरीवन एंड इंक्लूडिंग अस हैव बीन टोल्ड दैट सुकून से इलेक्शन हो, जैसे कोई रीपोलिंग की संभावनाएं ना हो, लोगों का फैसिलिटेशन अच्छा हो, और अगर कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उसको जितनी सख्ती से निमट सकते हैं उतनी सख्ती से निमटना चाहिए। नोबडी शुड बी अलाउड टू डिरेल द इलेक्शन, क्योंकि वोट की ताकत ही सब कुछ है। अंत में यही कहूँगा कि जमहूरियत का सफ़र गोया यूं ही चलता रहे, लंबी कतारों में चमकती आंखों का नूर यूं ही कायम रहे, हर चेहरा उम्मीद से यूं ही रोशन रहे, वोट की ताकत यूं ही हिंसा के नापाक इरादों को शिकस्त देती रहे। थैंक यू। थैंक यू सर। नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस। फर्स्ट वी विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया प्रेजेंट हियर। प्लीज पास ऑन द माइक टू द पर्सन। नमस्कार सर, पंकज शर्मा सर हेयर सर। पंकज शर्मा सर, न्यूज 24 से। सर, माना जाए कि सितंबर से पहले चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न होंगे, क्या आप तैयार हैं, कुछ बताना चाहेंगे कि कब जो है चुनावों का ऐलान होगा, तारीखों का? थैंक यू। प्लीज गिव द माइक, ले लीजिए, आप ले लीजिए। सर, मैं रजत पोरा हूँ जम्मू जी न्यूज से। सर, मेरा सवाल ये है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, जो रिव्यू आपने किया है दो दिन में, कितनी उम्मीद है कि आप? प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, सोमिल अप्रोल पीटीआई से हूँ। सर, यू मेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी हेड्स, व्हाट इज द फीडबैक एंड इज द एटमॉस्फेयर इज कंडेंसिव फॉर होल्डिंग असेंबली इलेक्शंस? प्लीज आपके पीछे, विल टेक वन क्वेश्चन। गुलिस्तान न्यूज चैनल, मैं ये जानना चाहूंगा कि और भी स्टेट्स में इलेक्शन होने को क्यों है, क्या एक साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे या फिर जम्मू कश्मीर स्पेशल है इसलिए उनको लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाल? बड़ी उत्सुकता लोगों में। मैडम को दे दीजिएगा पीछे। नमस्कार सर, मैं अमित हूँ अमर उजाला से। आपने ये जो सारा रिव्यू किया है दो दिन में, तो आपको क्या चैलेंज इसमें दिख रहे हैं? सर, वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन। या मैडम को दे दीजिए उधर पीछे। सर, हिमानी कंधारी फ्रॉम जेके न्यूज टुडे। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या जे एन के गवर्नमेंट ने आपको सिक्योरिटी सिचुएशन का विश्वास दिलाया है? मोर और लेस सभी क्वेश्चंस इस बात से रिलेटेड हैं कि क्या चुनाव के लिए भूमिका तैयार है, क्या कोई खतरे तो नहीं है, हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, मोटी बात यही है। देखिए, सभी पार्टीज ने एक सुर में कहा कि चुनाव हमें उन्हें जल्दी से जल्दी चाहिए। सभी जो हालात हैं, जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए उसमें जो दशकों के बाद नज़ारे देखने को मिले, उसके ऊपर में हमें बिल्ट करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों ने, जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, सबने कहा कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। किसी ने ये नहीं कहा कि उनको कोई परेशानी है, परेशानियाँ हैं लेकिन चुनाव नहीं कराएं ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी सिचुएशन किसी भी प्रकार की हो, उसके चैलेंजेस अपनी जगह हैं। कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आए हैं चुनाव में के माहौल में, दखल डालने के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से, लेकिन वो किसी भी सूरत में चुनाव को होने को दखल नहीं दे सकते, उसको टालने का आधार नहीं हो सकते। और ऐसे कोई भी सिचुएशन हो उसको प्रशासन डील करने के लिए सक्षम होना चाहिए और सक्षम है। जो किस स्टेट के चुनाव कब कराएंगे, ये मुद्दा डिपेंड करता है इस बात पर कि उस स्टेट की असेंबली का टर्म कब ख़त्म हो रहा है। सो इस साल में जो 4-5 स्टेट के चुनाव आने वाले हैं उनकी अलग अलग टाइम लाइन्स हैं और उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। जहाँ तक
आपने पूछा सबसे पहले कि यहाँ के चुनाव का ऐलान के बारे में, हमारा स्टेट लेवल का रिव्यू पूरा हो गया, यात्रा भी 19 के बाद ख़त्म होने वाली है, अभी सिक्योरिटी असेसमेंट और फोर्सेस के रिक्वायरमेंट का असेसमेंट दिल्ली जाके अब हम लोग करेंगे, और उसके बाद जैसी प्रथा है सबसे पहले प्रेस के माध्यम से आप ही लोगों को बताएंगे कि कब चुनाव होंगे। चैलेंजेस एक पॉजिटिव हैं और एक छोटे से नेगेटिव। पॉजिटिव चैलेंज हमारे सामने ये है, हम ही समझते हैं कि लोगों की भागीदारी बहुत अच्छे से इस बार बढ़ने वाली है, कैंडिडेट्स की भी, वोटर्स की भी। तो उसको हम किस प्रकार से अपने पूरे प्रोसेस से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो एक्चुअली बढ़ सके, ये हमारा चैलेंज है और ये पॉजिटिव चैलेंज है, इसको हम बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस। एवरीबडी इन द फील्ड हैज़ बीन डायरेक्टेड दैट यू गो प्रोएक्टिव इन मेकिंग अरेंजमेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन, इन मेकिंग अरेंजमेंट्स इन द वोटर लिस्ट, स्वीप एक्टिविटीज़, गो टू कॉलेजेस, गो टू यूथ कनेक्ट। आज हम भी गए, सबसे पहले आते समय हमने भी वोटर्स से, यंग वोटर्स से कनेक्ट किया, कहा, और इतना एंथुजियाज्म था उनके अंदर, बोल रहे थे हम अपने तो आएंगे, अपने साथ में 8-10 लोगों को और लेके आएंगे। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को आगे बढ़ाना और इसको इलेक्शन की में कन्वर्ट करना, वोटिंग में सबको माहौल देना, ये हमारा काम है और ये चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल खुशी से तैयार है। सर, वी हैव बीन जॉइंड बाय सम मीडिया फ्रेंड्स फ्रॉम श्रीनगर ऑल्सो, वी विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ऑल्सो। फर्स्ट फ्रॉम द मीडिया फ्रेंड्स फ्रॉम श्रीनगर। सो माय नेम इज नजीर मसूदी, आई एम फ्रॉम NDTV। The banner reading behind you clearly says you are holding these elections, assembly election in 2024, this year only. Supreme Court has set a deadline or direction to you that elections have to be concluded before 30th September. Are you prepared for that, or you may go back to Supreme Court and seek more time? Person, any other media person from Srinagar? Any other media person have a query from Srinagar? Madam, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Hello? Yeah, audible. Thank you. Hi sir, my name is Zehra. I'm from PTI. Last time when Lok Sabha elections happened, we observed that the non-migrant Kashmiris, मैडम काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। सर, लास्ट टाइम व्हेन लोकसभा इलेक्शंस हैपेंड, द नेम्स ऑफ नॉन माइग्रेंट कश्मीरीज, देयर नेम्स वर मिसिंग फ्रॉम द वोटर लिस्ट, सो विल दैट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन दिस टाइम? No, she is talking about non-migrants. Those who are already living here. All right. Understood. मेरा बेटा अब्दुल्ला है और मेरा सवाल ये है कि क्या अभी भी हम ये कहें कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं यहाँ पे इलेक्शंस हो, लेकिन स्क्रूटनी का रिव्यू जो है वो दिल्ली में किया जाएगा, क्या अभी भी MHA का कंसेंट नहीं मिला है या MHA से पूछना पड़ेगा कि क्या सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे इलेक्शन कराए जाए? जिस तरीके से नजीर साहब ने पूछा था आपसे, क्या आप इसे सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे अगर ऐसा कुछ होगा और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन टू बी हेल्ड बिफोर सेप्टेम्बर और अप टू 30th September? Thank you. If the media person there at Srinagar has any other question, we'll take one more question from there. Am I audible? Yes, yes. Good afternoon, sir. Good afternoon to all of the ECI officials sitting there. So, मेरा question है, हमने पिछले कुछ महीनों में जम्मू रीजन में बदलाव के नजारे हैं, तो उस पर आपके कुछ एडिशनल मेजर्स आप ले रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए, और क्या इलेक्टोरल प्रोसेस पे उससे
कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अफेक्टेड रीजन्स में? आपका मैडम क्वेश्चन ऑडिबल नहीं था, थोड़ा सा यहाँ साउंड का प्रॉब्लम है. कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? सर, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा जम्मू रीजन में हालात बदले हुए हमें नजर आए, वहाँ सर्ज हुआ टेरर अटैक था, तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या उसके लिए कुछ एडिशनल मेजर्स लिए जा रहे हैं इन चैलेंजेस को मूव करने के लिए, और उसके साथ साथ इलेक्टोरल प्रोसेस में उसे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा अफेक्टेड एरियाज में? ठीक, किसी को समझ? यस सर, आई विल रिपीट सर. शी इज आस्किंग देयर हैव बीन सम टेरर अटैक्स इन जम्मू दैट विल इंपैक्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस और व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर दैट. थैंक यू सर. गुड आफ्टरनून, ये मैं सोहेल बोल रहा हूं टाइम जोन नोएडा से. जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के साथ आपकी कमीशन की बातचीत हुई कल यहां श्रीनगर में, तो पर्टिकुलरली जम्मू रीजन से किस तरह का फीडबैक मिला? ऑन ग्राउंड जो मेरी कुली ने भी पूछा था कि जो टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या कमीशन को इस तरह का फीडबैक मिला कि उससे इंपैक्ट हो सकते हैं इलेक्शन? Sir, any feedback from the district SPs also if such kind of attacks can impact the elections? So, thank you. From Srinagar, आपने पहले डेडलाइन के बारे में पूछा, दूसरे टाइमिंग के बारे में पूछा. तो जैसे मैंने पहले कहा कि समय बिल्कुल राइप है और हम जो भी पुरानी उपलब्धियां हैं उनके ऊपर में बिल्ड करने के लिए तैयार हैं. अब जाके दिल्ली में थोड़ी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी की रिव्यू हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे और जो डेडलाइंस हैं उन सबको भी ध्यान में रखेंगे. जो उसके बारे में जो भी सूचना है वो आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब भी करेंगे उसके माध्यम से देंगे. दो प्रश्न पूछे आपने एक नेम्स मिसिंग के बारे में. अभी SSR का कार्य चल रहा है, जिस किसी का भी नाम मिसिंग है विद रिस्पेक्ट टू 1 जुलाई 2024 इज द क्वालिफाइंग डेट, यानी पूरे राज्य में जो भी वोटर, जो भी व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं 1 जुलाई 2024 को, वो सभी वोटर बन सकते हैं. तो ये SSR का कार्य चल रहा है, 20 तारीख को कंप्लीट होगा, फाइनल रोल विल बी पब्लिश्ड. आपके माध्यम से हमारी गुजारिश है सबसे कि सब लोग अपना नाम उसमें चेक कर लें, ये भी चेक कर लें, अपना बूथ भी चेक कर लें, हर चीज़ चेक कर लें. हमें लगता है कि जो इंटेंसिव कार्रवाई हुई है उसमें वो नाम शामिल हो गए होंगे, और जिन लोगों के नाम अगर किसी वजह से नहीं थे उन्होंने उसमें फॉर्म्स रिलेवेंट भर के शामिल करा लिए होंगे. बाय द वे, किसी का नाम अभी भी छूट जाता है तो भी आगे समय है वो नाम भर के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बात करके ARO के साथ में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. दैट फैसिबिलिटी वुड रिमेन अवेलेबल. अबाउट द वायलेंस एंड अबाउट द सम टेरर अटैक्स अबाउट एंड द इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शंस, देखिए जब सफलता मिलती है, जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो नेफेरियस एक्टिव नेफेरियस डिजाइंस उसको किल करने की कोशिश करते हैं, सबके लिए जानकारी है. उन सबका चुनावों के ऊपर में कोई असर ना पड़ना चाहिए ना पड़ सकता है. वी आर कॉन्फिडेंट आफ्टर आर रिव्यू एंड ऑल्सो इन अवर रिजॉल्व दैट सच एक्टिविटी वॉट एवर देयर मे वॉट एवर मे बी द डिजाइन ऑफ सच एक्टिविटीज, even if the design is to disrupt the process of elections, that cannot be allowed to happen. जो नज़ारे हमने 2024 के चुनाव में मई में और जून में अक्टूबर में अप्रैल और मई में देखे थे, जो लाइन्स हमने देखी थी, जो सबके चेहरों पर हमने एक पार्टिसिपेट करने की झलक देखी थी, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से पीछे नहीं हट सकती. दैट इज़ वॉट वी कैन टेल यू विथ फुल कमिटमेंट एंड रिजॉल्व दैट नथिंग विल बी अलाउड टू डिस्टर्ब द इलेक्शन. नहीं तो ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाएगी. जब जब हम चुनाव की बात करेंगे, जब ऐसी एक्टिविटी बढ़ेंगी, हम पीछे हट जाएंगे, तो वी विल बी काइंड ऑफ मेकिंग द बिना लड़े ही हम तो विक्ट्री दूसरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा.
things will not have impact on the elections at all. Our forces and everybody, entire administration is capable enough to deal with any situation that comes in the way. जो जमहूरियत का झंडा है वो आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा. थैंक यू सर. विद दिस वी विल कम टू द एंड ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एज द कमीशन हैज टू कैच अ फ्लाइट. एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द मीडिया पर्सन्स फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर. आई ऑल्सो थैंक द ऑनरेबल कमीशन फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम द बिजी शेड्यूल एंड ब्रीफ द मीडिया एज पर द ट्रेडिशन ऑफ द कमीशन दैट वी ऑलवेज स्पीक टू मीडिया इन द एंड. वी ऑल आंसर ऑल देयर क्वेरीज. Now I request media friends to please join us for the high tea outside this hall. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.